हमारे दरमियान हमारी बहुत अच्छी सिंगर बुशरा जहां मौजूद हैं और हमारे पंजाब के बहुत खूबसूरत आवाज़ हैं और बहुत प्यारी शख्सियत हैं, बहुत नरम मिजाज हैं, प्यार करने वाली शख्सियत हैं। चलिए उनसे मुलाकात करते हैं और चंद बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बुशरा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुशरा जी कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है जी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे जी? मैं ठीक हूँ बुशरा जी। अब मुझे ये बताएं, मैंने सारे लोगों से एक ही सवाल किया, आपसे भी वही करूँगी, आप सिंगर क्यों बनी? मैं क्यों सिंगर बनी? मुझे बचपन से शौक था। शौक और कहते हैं ना कि वो पंजाबियों की बात है, खुद तो खम बात होती है। मैं बेसिकल गाने वालों में से नहीं हूँ जो मुस्तकिल गाते हैं लोग, लेकिन मैं अपने वाले साहब से बहुत मुतासर थी। उन्होंने शौकिया गाया और मुझे मेरी उम्र जहाँ से बड़ा लगा कोशिश की सिंगर बन गई। तो कितने साल से गा रही हैं आप? मैं तकरीबन 15-16 साल से गा रही। गाना तो मैडम बहुत मुश्किल काम है, ये तो सीखते सदियाँ लग जाती हैं, तो हमें तो शायद एक ज़रा भी नहीं आता, बड़ा मुश्किल था। नहीं, ये तो आपकी ज़रा नवाजी कि आप इतनी कनास से काम ले रही हैं, आप बहुत अच्छा गाती हैं। तो आपने इसको आगे क्यों नहीं फैलाया? जितनी खूबसूरत आवाज़ है, ये आवाज़ तो मुल्क के कोने कोने में घूमनी चाहिए, इसमें कोताही आपने क्यों की? ये आप सही कह रही हैं, लेकिन मैंने माशाल्लाह फिल्मों के गाने भी गाए हैं, क्योंकि हमारा जो मुल्क है, जो हमारी आवाम है, इतनी परेशान है कि यहाँ पे फिल्म क्या बनेगी, कुछ भी नहीं बन रहा ना। पाकिस्तान में इंडस्ट्री ख़त्म हो चुकी है, तो इसलिए जो फिल्में बनी, गाने गाए, वो बंद हो गई, फिल्में ख़त्म हो गई। तो नेक्स्ट देखिए इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ताला बेहतर करेगा। और मैंने चैनल्स पे भी गाया, ARY पे गाया, PTV पे गाया, तो गेट टुगेदर जी शादियों के फंक्शन। नहीं, जितनी खूबसूरत आपकी आवाज़ है, मुझे कहने में कोई मतलब वो शर्म झिझक नहीं है, मैं मुनाफ़त से काम नहीं लेती, उस हिसाब से आपको बहुत आगे आना चाहिए। सॉरी टू से, ठीक है? चले, आप दुआ दो रहिएगा मेरे लिए, इंशाल्लाह मैं कोशिश करती रहूँगी, अल्लाह ताला मदद करे इंशाल्लाह। क्या सुना रही है नाज़रीन को आप? मैं कुछ कहना चाह रही हूँ कि हमारी आवाम जो बहुत परेशान है, जिसमें हम भी हैं, तो मैं चाह रही हूँ भी थोड़ा सा अल्लाह बुला होना चाहिए आवाम, सबकी इजाज़त से सुजात गोरी साहब आपकी खसूसत इजाज़त चाहूँगी, भट्ट साहब जिन्होंने बहुत सारे आर्टिस्टों को प्रमोट किया है, ठीक है, उनमें से मैं भी हूँ क्योंकि बहुत मशहूर हूँ मैं। मलिक साहब हैं, हमें बहुत बड़े फनकार नवाज हैं, हम सबके लिए बहुत शुक्रिया उनका, शौकत साहब का बहुत शुक्रिया मैडम जिन्होंने मुझे यहाँ बुला के मौका दिया। थैंक यू।
बहुत जबरदस्त। अच्छा बुशरा जी, मैं एक सवाल करना चाहूंगी आपसे कि नाजरीन भी सुनेंगे, जो यहाँ पे मौजूद लोग हैं शायद मेरे पास इत्तेफाक करें या ना करें, इंसान का अपना रवैया, आर्टिस्ट का बिलखसूस उसका रवैया जो होता है उसके आगे बढ़ने में किस हद तक काम आता है। अच्छा रवैये से वो आगे बढ़ता है, गलत रवैये से वो पीछे रह जाता है। रवैया जो है वो किस हद तक क्या काम करता है, पीछे बताना, इंसान की तरक्की और नाकामी में। जी आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। ये तो जो रवैया है, ये मैं समझती हूँ कि ये बहुत बड़ी इंसान की शख्सियत होती है, जिससे इंसान कोशिश करता है, ये तो उसकी रहमत होनी चाहिए और कोशिश जारी रखनी चाहिए इंसान को। मैं चाहती हूँ कि मैं कह रही हूँ कि इंसान को रवैया बहुत अच्छा रखना चाहिए, आगे उसका अपना नसीब है। नसीब है। मैं सारे नाजरीन की इजाज़त से एक बात कहना चाहूँगी कि रवैया बहुत काउंट होता है इंसान की तरक्की में। एक आर्टिस्ट है वो बहुत अच्छा आर्टिस्ट नहीं है, अगर उसका रवैया अच्छा तो लोग कहेंगे यार उसे ले लो, वो बहुत अच्छी आदत की है या वो बहुत अच्छी है आदत का है। अगर उसका वो बहुत अच्छा गाने वाला, बहुत अच्छा सिंगर है, बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, अगर उसका रवैया अच्छा नहीं तो कहें वो छड्डू यार किनू लै रहे हो, तो यारों में लै लो। तो इंसान का रवैया उसकी तरक्की की राह में जो ना रुकावट बनता है, गलत रवैया। आप इससे मुतफिक हैं? नहीं जी, मैं इससे मुतफिक हूँ कि इंसान का रवैया जो वो ही नहीं ठीक है, अच्छा रवैया वही अच्छा। हाँ मैं भी यही कहना चाह रही, अच्छा रवैया जो ना इंसान की तरक्की का जामिन बनता है। बेशक बेशक, मैं इस बात को जरूर मानती हूँ। और मैं देखिए, मुझे गाना नहीं आता, गाना बहुत मुश्किल काम है। मैं जितना गा रही हूँ, जितना गा सकती हूँ, तो ये सब दोस्तों की दुआओं और मोहब्बत की वजह से ये मैं गा रही हूँ। और मेरी कोई औकात नहीं है, ना मेरी शख्सियत है, ना औकात है, वो मालिक की देन है, उसकी रहमत है। कि मैं समझती हूँ कि इखलाक बहुत बड़ी बात है, बड़ी बात है रवैया इंसान का। अच्छा बुशरा जी, अब क्या सुनाएंगे आपकी बातों में मैं मस्त हो गई थी, बताएं अब क्या सुना रही हैं। मैं आप पे रख के सुना रही हूँ, वे सब तो सुन रहे हैं। तो मैं मर गई, नहीं मर गई। सब तो सोनिया आए रे मन मोने, आ
बुशरा जी क्या बात है आपकी, हमारे पंजाब की शेर जी। अच्छा बुशरा जी, हमारे पाकिस्तान में बहुत प्यारे प्यारे सिंगर हैं, किन से मुतासिर हैं आप? मैं मैडम मैडम और मेल में मेल में मोहम्मद रफी साहब हमारे नबी हसन साहब से बहुत अच्छे। और चलें चलें मलिक आसिफ साहब से नहीं मुतासिर हैं आप? चंद मखना गा रहे हैं जी, माशाल्लाह बहुत मुतासिर हूँ, मुतासिर ही नहीं इनकी शुक्रगुजार हूँ अल्लाह नबी के बाद इनकी शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने मुझे बहुत प्रमोट किया है, उन्होंने बहुत फनकार नवाज है ये, उनका बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा गाते हैं उनका शुक्रिया। पर चलो साहब के सामने शिकायत हो जाएगी, कोई नहीं, आज दिल खोल के शिकायत। अच्छा बुशरा जी हमारी बहुत प्यारी सी सिंगर हैं और बहुत प्यारी इंसान भी हैं, ये मैं ऑनेस्टली कह रही हूँ। जैसा मैंने जैसे मैंने पाया वैसे ही मैं कहूँगी। बुशरा जी आप क्या सुना रही हैं? जी मैं मैडम जी की गजल सुना रही हूँ जी। हाँ और
बहुत अच्छा मुश्रा जी, मुश्रा जी हमारे अंजाम टीवी के नाज़रीन को कोई पैगाम देना चाहिए, कोई भी नहीं जी। मैं तुषार जी कहती हूँ अंजाम टीवी को, और भरपूर दिल से दुआएं कि अल्लाह ताला ने तरक्की दे। आमीन जी, बहुत शुक्रिया जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। आप ऐसे ही गाते हैं, बहुत मुस्कुराते रहे हर चैनल पर, मुझे नजर आया। शुक्रिया आप सबका, बहुत शुक्रिया। थैंक यू।